गुड मॉर्निंग editplatter.com से दुनिया की खबरों के साथ आपकी सेवा में मैं हूं शिवकांत, नमस्कार। अमेरिका के कूटनीतिकों ने कूटनीति की एक नई रीति की खोज की है। रीति यह है कि जो नेता आपकी बात मानने को तैयार न हो उन्हें गरियाइए, धमकाइए और इससे पहले कि वे भड़क जाएं मुस्कुराकर हाथ बढ़ा दीजिए, सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे और मतभेद भी। आप सोचेंगे ये क्या बच्चों जैसी बातें कर रहा हूं, पर यकीन मानिए ये सच है और इसकी खोज डोनाल्ड ट्रंप साहब ने की है। आपने देखा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री टर्नबुल को और मेक्सिको के राष्ट्रपति नियतो को कैसा डांटा, फोन पटक दिया, सेना भेजने तक की धमकी दे डाली, लेकिन बस दो दिन के भीतर ही पलट गए, तारीफ के पुल बांधने लगे और जिन समझौतों को लेकर नाराज थे उनकी बुराई करते हुए उन पर कामयाब रहने का दिल दिखाने लगे। कूटनीति के क्षेत्र में कौटिल्य की अर्थनीति के बाद शायद ये सबसे बड़ी खोज होगी। इसी पर चलते हुए पहले जापान और दक्षिण कोरिया को खूब बुरा भला कहा, अमेरिका की ओट में फल फूल रहे हैं लेकिन न अपनी हिफाजत रखना सीखते हैं और न ही अमेरिका को उसके एहसान के बदले कुछ देते हैं। इससे पहले कि वे किसी नई गुटबंदी में शामिल होते, नए विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन को भेज दिया बहलाने पुचकारने के लिए। उन्होंने वहां जाकर उत्तरी कोरिया के नाम चेतावनी दे डाली जो जापान और दक्षिण कोरिया के कानों के लिए किसी तराने से कम नहीं थी। दूसरी तरफ पहले पुतिन और नेतन्याहू की जमकर तारीफ की, लेकिन इससे पहले कि दोनों बहक जाएं पहले यूक्रेन में चल रही लड़ाई को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पुतिन की आलोचना कराई और फिर फिलिस्तीनी जमीन पर यहूदी बस्तियां बसाने की नेतन्याहू की योजना की निंदा कर डाली ताकि उन्हें यह शेर याद रहे, ये है दुनिया यहां कितने अहले वफा बेवफा हो गए देखते देखते। अब मुश्किल यही है कि ये दुनिया है, यहां चीजें काबू से बाहर भी हो जाया करती हैं देखते देखते। अब देखिए, आप ईरान को बुरा भला कहते रहे, उसके साथ हुए परमाणु समझौते की बुराई करना जारी रखा, उसने बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट कर लिया देखते देखते, आपने पुतिन साहब को शह दी, वे सीरिया के साथ साथ यूक्रेन पर भी चढ़ बैठे देखते देखते। यही सब देखते देखते न्यूयॉर्कर में एंडी बोरोविट्स को व्यंग लेख लिखना पड़ा कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेश ने दुनिया को सचेत करते हुए कहा है कि होशियार रहें, कोई बहरूपिया अमेरिका के राष्ट्रपति के नाम से नेताओं को फोन करता है, धमकाता है और फिर फोन पटक देता है। ब्रितानी अखबार गार्डियन में डेनियल बूफे की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी छपी है जिसके अनुसार 28 देशों की यूरोपीय संसद की कंजर्वेटिव, सोशलिस्ट और लिबरल पार्टियां मिलजुल कर अब ये कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह टेड मेलोख नाम के शख्स को अमेरिका का यूरोपीय संघ राजदूत बनने से रोका जाए। अब टेड मेलोख एक व्यवसायी हैं जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप यूरोपीय संघ का राजदूत बनाने की सोच रहे हैं, लेकिन टेड मेलोख ने ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर जाने के लिए जो वोट हुआ था ब्रेक्सिट, उसका समर्थन किया था और बीबीसी से एक बातचीत में कहा था कि सोवियत संघ का विघटन कराने में उनकी अहम भूमिका थी और अब वे एक और संघ यानी यूरोपीय संघ को ढीला करना चाहते हैं। यूरोपीय नेता उनके इन इरादों से जाहिर बहुत नाराज हुए। यूरोप के लोग एक और चीज से नाराज हैं और वो है भ्रष्टाचार। पूर्वी यूरोपीय देश रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट में पिछले कुछ दिनों से लोग प्रधानमंत्री सोरिन ग्रिंडियानु की सोशल डेमोक्रेट सरकार के छोटे मोटे भ्रष्टाचार को गंभीर अपराध की श्रेणी से हटा देने के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लगभग 32 लाख रुपए से कम के भ्रष्टाचार को गंभीर अपराध की श्रेणी से हटा लिया है और अपने इस फैसले पर अड़े हुए हैं, लेकिन उनके इस फैसले से लोग भी अड़ गए हैं और इतने नाराज हैं कि संसद के सामने विशालकाय चौक में इस आदेश के विरोध में प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कल के प्रदर्शन में 80 के दशक को लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनों के बाद का सबसे बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है जिनमें 2 लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था। उधर फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव में दक्षिण मध्यपंथी रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार फ्रांस्वा फियो पर भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से चुनाव की दौड़ से हट जाने का दबाव बढ़ रहा है। उन पर अपनी पत्नी ब्रितानी पेनेलोपी फियो को झूठ मूठ का सचिव बनाकर उन्हें 8 लाख यूरो वेतन देने और अपने बच्चों को भी इसी तरह के आर्थिक लाभ पहुंचाने के आरोप हैं। ब्रितानी अखबार टेलीग्राफ के लिए ऑनरी सैमुअल ने पेनेलोपी फियो का एक इंटरव्यू लिया जिसमें उन्होंने सारे आरोपों को निराधार बताया है। इधर फारस की खाड़ी के क्षेत्र में सऊदी अरब के साथ साथ अमरीका ने भी यमन पर हमले शुरू कर दिए हैं। अमरीका का निशाना अल-कायदा के तथा कथित अड्डे हैं।
शनिवार को हुए अमरीकी हमले में मानवाधिकार गुटों के अनुसार 23 नागरिक भी मारे गए थे, जिनमें 10 बच्चे थे, और इन बच्चों में अल-कायदा आतंकी अनवर अल औलाकी की बेटी भी बताई जा रही है। औलाकी को 2011 के एक हवाई हमले में मार गिराया गया था। हमले में अमरीका का एक नौसैनिक मारा गया है और 3 को चोटें भी आई हैं। इस बीच क्वार्ट्स डिजिटल पत्रिका ने जनवरी में डी क्लासीफाई किए गए अमरीकी जासूसी संस्था CIA के दस्तावेज के आधार पर मनु बालचंद्रन की एक रिपोर्ट छापी है, जिसमें भारत के पोखरण बम विस्फोट की तस्वीरों के साथ साथ 1968 में UFO यानी उड़न तश्तरियों के 6 जगहों पर देखे जाने की बात भी है। ये जगहें थीं लद्दाख, सिक्किम, भूटान और नेपाल, और इसके अलावा 2 और। दस्तावेज में श्रीमती गांधी की हत्या और भारत पाक तनाव से जुड़े भी कई दिलचस्प दस्तावेज और टिप्पणियां शामिल हैं। और अब टिप्पणी की बात चली है तो हॉलीवुड अभिनेता कैलिफोर्निया के पूर्व गवर्नर एर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की बात भी करनी होगी, जिनके साथ आजकल डोनाल्ड ट्रंप की नोकझोंक चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव में कूद जाने के बाद श्वार्ज़नेगर को उनके टीवी शो अप्रेंटिस का होस्ट बनाया गया था। तब से ट्रंप साहब उस शो की गिरती रेटिंग पर तंज करने से नहीं चूकते हैं। कल रात एक ईसाई सभा के भाषण में भी उन्होंने वही किया, जिसका इस बार श्वार्ज़नेगर ने करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा, क्यों न हम अपनी जगहों की अदला बदली कर लें, आप अप्रेंटिस का होस्ट बनने के लिए फिर से लौट आएं और मैं आपकी कुर्सी पर बैठ जाता हूं। इससे कम से कम लोग चैन की नींद तो सो सकेंगे। क्या ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप साहब? तो जनाब, आपका क्या ख्याल है? विस्तार से अगर सब पढ़ना चाहते हैं तो आइए editplatter.com पर, दुनिया भर की श्रेष्ठ खबरों का जखीरा। शिवकांत को यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।